ਤੇ ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। मामला बटाला तो सामने आ रहा है जदों बटाला दे रहन वाले 20 साला नौजवान गुरमीत सिंह वल्लों अमृतपाल दे हक विच टोल प्लाजा जाम करके रोस धरना देने दे गलत अते भड़काऊ मैसेज नू सोशल मीडिया राही अलग अलग ग्रुपां विच फॉरवर्ड करना शुरू कर दिता। बटाला पुलिस हरकत विच आई अते जांच करदे हुए उक्त नौजवान दे घर पहुंच गई। पुलिस नू पता चलिया कि उक्त नौजवान अपने परिवार का इकलौता पुत्र है अते पिता विदेश विच रोजी रोटी कमाउण लई गया होया। पुलिस ने परिवार का बैकग्राउंड चैक किया जो साफ सुथरा सी। इस तो बाद बटाला सिविल लाइन थाने के इंचार्ज कुलवंत सिंह ने उक्त नौजवान अते उसकी माता नू समझाया कि इस तरह के मैसेज नाल माहौल खराब हो सकता है अते बिना वजह लोग परेशान हो सकते ने, इसलिए इहो जिहे मैसेज जो गलत हैं पोस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि इस नाल उक्त नौजवान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के समझाने के नाल उक्त नौजवान ने अपनी गलती मनी अते उक्त मैसेज नू सोशल मीडिया तो डिलीट किया। उस तों बाद पुलिस ने उक्त नौजवान नू बिना कार्रवाई करते हुए छड्ड दिता ताकि गुरमीत नामक नौजवान का भविख खराब ना होवे। उत्थे ही उक्त नौजवान अते उसकी माता ने बटाला पुलिस का धन्यवाद करते हुए नौजवान नू अपील की कि किसी के बहकावे विच आके अपने भविख नू खराब ना करो। सर मेरे को मैसेज आया सी, मेरे को फॉरगेट हो गया, मेरे को गलती हुई सी। बाद विच सर उन्होंने मैनू समझाया कि ग्रुप वालों कि जिहड़ा मैसेज होया सी फॉरगेट किया सी मैं, तो सर उन्होंने मैनू समझाया तो मैं समझ गया वा, मैं गलती भी अपनी मनी सी। किस तरीके का मैसेज सी? सर वो मतलब कि धरने वाला सी कि टोल प्लाजे क्लोज करने वास्ते, तो सर उन्होंने मैंने समझाया तो मैं समझ गया। मैं तो मैसेज फॉरवर्ड किया था, माहौल खराब हो सर लग रहा सी, बट मैं सर होना दे समझाउन ते मैनू मैं समझ गया। मैं ग्रुप भी डिलीट करते, तो सर जिन्ना ने मैनू फॉरगेट मैसेज किए मैं उन्होंने तो दूरी भी बना ली है। इस करके मैं सर उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता सर उन्होंने का। सर बेटा बस थोड़ा जि गलती हो गई, बहुत मैसेज सी कोई उन्हें गाड़ी करता तो हूँ सर होना लैंदा, सर होना समझाया बहुत ज़्यादा बच्चे नू। बाकी ये है कि उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है, बच्चे नू जिन्ना कु समझाया वा समझ चुकया वा, गाड़ी गलती नहीं करेगा। साड़ी भी रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, अहीं होर ना बच्चों भी कहने कि बच्चे सीधे रस्ते ही चलो, इन्हों चो कुछ नहीं इन्होंने चीज़ों चो लभना। बाकी है कि साहब की बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्र है, हाथ जोड़ के बेनती है कि मेरा बच्चा हुण जिथों तक उन्हें समझाया पूरा ही समझ चुका। उम्र छोटी ही, उम्र छोटी ही, हाँ जी बहुत ज़्यादा सी, बहुत जो कार्रवाई करते बहुत ज़्यादा होना सी। बाकी है कि मेरा बच्चा समझ चुका है, नंबर नंबर सब कुछ उन्हें डिलीट कर सके। उस साढ़े भी ना इतने एक मैसेज बड़ा वायरल होया कि टोल प्लाजे वगैरह बंद करने हैं, तो साढ़े इतने एक गुरमीत सिंह सानू गुरविंदर सिंह स्टाफ रोड रहा जी, 20-21 साल की एज है, तो इनू बेसिकली कोई मैसेज पिछों आया तो इन्हें भी गांह फॉरवर्ड किया, इनू फिर बुलाया गया सी, पेरेंट्स भी आए थे इत्थे, तो इनू समझाया गया सारा भी आ गलत है। एस पी डी साहब साढ़े आए, एस पी साहब वालों ड्यूटी लगी सी, तो इन्हें फिर अपनी चलो रिलाइज भी की गलती, इन्हें जो ये कॉन्टैक्ट से व्हाट्सएप के नंबर सारे ने डिलीट वगैरह भी किए। तो यही मैसेज जो अं कन्वे करना चाहते हैं कि जोड़ा भी मतलब यूथ है कई बार किसी के बहकावे जो उदा आ के आप कर जाने गलती वो ना कर, मतलब पुलिस वालों कि जरूरी नहीं भी हर एक खिलाफ कोई आप रिटर्न एक्शन करना, कोई आपू समझाइए तो वह समझ भी सकता है, ताकि अगे तो बच्चे की एज छोटी होंगी है तो अगे तो उन्होंने एक सुधरने का मौका भी देना चाहिए। बटाला तो भोपाल सिंह की रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।